हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। मैं प्रदीप सर आपको प्रतिदिन 7 बजे क्लास 12th का लाइव क्लास लेते हैं, और अभी आपको पी ब्लॉक पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? पी ब्लॉक तत्व, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। नोटिफिकेशन ऑन कर लिए तो जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहेगा और आप हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं। और अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो, मन में 6-5 हो, तो भैया जरूर कॉमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइएगा। अब चलिए पी ब्लॉक में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पिछले क्लास में हम लोग वर्ग 15 का, यानी एलिमेंट जो है वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी सब देखे थे। और इस प्रॉपर्टीज के बारे में भौतिक गुण, रासायनिक गुण, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा क्या बनेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा क्या बनेगा, है ना, हेलोजन से अभिक्रिया करेगा क्या बनेगा, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा क्या बनेगा। बताओ मेरे शेरों, बताए हैं कि नहीं बताए? जो भाई पहली बार देख रहे हैं तो इससे लेक्चर, ये लेक्चर आपका क्या है, लेक्चर 6 है, तो लेक्चर 5, यानी लिखा हुआ है थंबनेल पर ही लिखा हुआ रहेगा लेक्चर 5-6। इससे आप वीडियो कौन पहले है उसको आप देख सकते हैं। चलिए ज्यादा बातचीत नहीं, आते हैं टॉपिक की ओर। यानी आज का जो टॉपिक है वो है डायनाइट्रोजन। समझोगे सेरो? डायनाइट्रोजन। अब डाय मतलब क्या? दो। मोनो मतलब क्या? एक। केमिस्ट्री में यह प्रीफिक्स है, याद रखना। अगर कहीं बोल दे मोनो तो समझ लेना एक, मोनी न या मोनो न, मोनो मतलब एक, डाय दो, ट्राय तीन, टेट्रा चार, ऐसे होता है। तो है यह भाई डायनाइट्रोजन। क्या है भाई? डायनाइट्रोजन। डाय मतलब दो, नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन दो, यानी हम जानते हैं यह द्विपरमाणविक अणु है। कैसा है? डाय एटॉमिक मॉलिक्यूल है, द्विपरमाणविक अणु है, ठीक। N2। अब N2 यानी कोई भी यौगिक आज के बाद हम लोग पढ़ेंगे तो पहले उसका संरचना सीखेंगे कि संरचना हम लोग कैसे बनाएं। संरचना जब हो जाएगा तब उसको बनाने की विधि सीखेंगे। बनाने की विधि में प्रयोगशाला विधि भी शामिल होगा, यानी जब कभी भी आपको मौका लगे कि हमको प्रयोगशाला करना है, लैब करना है, तो प्रदीप सर जिंदाबाद, टेंशन ना लीजिए, लैब भी आपको कराया जाएगा। तो पहले संरचना, फिर बनाने की विधि। जब बनाने की विधि खत्म हो जाएगी, सुनो कैसे रहो क्या बोल रहे हैं, पहले वर्ड को समझो, पहले संरचना, फिर बनाने की विधि, फिर उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसका उपयोग, यानी 5 काम आपको कोई भी कंपाउंड है। यानी अगर इसके बाद हम अमोनिया पढ़ेंगे तो अमोनिया में अमोनिया का संरचना, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसका उपयोग, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। यानी हम लोग इतना चीज करने वाले हैं। तो चलो शेरों, तो शुरुआत करते हैं। सूत्र क्या है? N2। सूत्र क्या है? N2। तो संरचना होता है, दो नाइट्रोजन है तो दो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब देखो ध्यान से, जब दो परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और जब दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो डबल बॉन्ड बनता है, और जब तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड और तीन इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन, यहां दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, कहता रे जाने मन तू 3 ले तू हमरा दे, मतलब ये नाइट्रोजन एकरा कहते तू 3 लो हमको भी 3 दो। तो साझेदारी का मतलब होता है देंगे भी लेंगे भी, ठीक। तो अब कैसे ट्रिपल बॉन्ड हुआ वो भी जानना है। तो देखो चलो, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, शेरों मतलब शेरनियों भी शामिल है,
नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 7 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे, 1s2s2p, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p3, 2 2 4 3 7। अब बोल भैया पहली कक्षा को के सेल और दूसरी को एल सेल बोलते हैं, तो जो सबसे बाहर में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं OMC, O से आउटर, M से मोस्ट, C से कॉन्फिगरेशन। देख लो भैया, आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाह्यतम विन्यास। OMC को क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन, बाह्यतम विन्यास। अब देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बाह्यतम विन्यास यानी बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कई बार हम लोगों ने जाना है, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भैया? 3 2 5, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। अब संयोजकता की बात करें तो इसका बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, यह अष्टक नियम पूरा करेगा। अष्टक नियम कैसे पूरा करेगा? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन तो लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेता है ना वही तो संयोजकता है, जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, तो 3, इसकी संयोजकता 3 हो गई। अब इसका संरचना देखिए, 2 नाइट्रोजन हमने लिख दिया। अब आज के बाद कोई भी आपसे पूछे बता नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहे छे? 5 हो, याद रखिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 1 2 3, 1 2 1 2 3, 3 2 5 हुआ, यहां भी 5 हुआ। अब ये जो है नाइट्रोजन, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, ये चाहता है अगर कोई ससुरा हमको 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो हम 8 हो जाएगा, तो मेरा बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि अष्टक नियम पूरा होगा तो वो स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा। और दुनिया में आप जानवे करते हैं, सब कोई चाहता है, हम आप जो भी एलिमेंट दुनिया में हर कोई स्टेबल होना चाहता है, चाहता है कि नहीं चाहता। तो यह 3 इलेक्ट्रॉन इसको बोला, रे नुनू 3 इलेक्ट्रॉन हमको दो, यह भी 3 इलेक्ट्रॉन इसको दिया। देखो 3 लिया 3 दिया, तो दोनों के बीच कितना इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई? 3 इलेक्ट्रॉन की। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच हमने कहा आपको, जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहां तक तो सेरो क्लियर है? कोई दिक्कत है सेरो तो बोलो। अब आइए हम बोले, जब संरचना आप सीख जाओगे फिर बनाने की विधि, तो चलिए यहां लिखा बनाने की विधि, यानी बनाने की विधि, विधि का मतलब हुआ मेथड, विधि को इंग्लिश में क्या होते हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब हुआ बनाना, यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। कौन सी बनाने की विधि? तो N2 बनाने की विधि, यानी डायनाइट्रोजन बनाने की विधि। और डायनाइट्रोजन को हम लोग बनाएंगे ही और सीखेंगे अच्छे से, और पूरा वीडियो देखो मजेदार होने वाला है, पूरा एकदम आपको बेसिक जीरो से एकदम धीरे धीरे समझा रहे हैं, और नोट भी करते जाएंगे सेरो। चलो देखो क्या लिखा हुआ, पहला लिखा हुआ प्रयोगशाला विधि, यानी लैब मेथड या लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में ये जो वर्ड है, ये वर्ड को आप भूल जाओ आज के बाद। अगर आप केमिस्ट्री मेरे से पढ़ रहे हो, प्रदीप सर से पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पॉइंट के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो आप कितना भी रिएक्शन है उसका लैंग्वेज नहीं जान, कहो सर क्यों लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में नंबर कैसे देगा? नंबर तो उसका मॉरल का नाना देगा, कैसे नहीं देगा? हम लोग लिखेंगे भाई, देखो कैसे। ये देखो NH4 यानी अमोनियम है, Cl है मतलब क्लोराइड है, तो इसका नाम आप जान लो भाई, रासायनिक नाम इसका क्या है? अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर भी बोलते हैं। NH4Cl का नाम अमोनियम, NH मतलब NH4 मतलब अमोनियम, Cl मतलब क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड, बोलो कमेंट में क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। और Na है तो Na को तो आप सोडियम बोलोगे, NO3 रहता तो नाइट्रेट होता, ध्यान दो NO3 रहता तो नाइट्रेट होता, लेकिन NO2 है ये है नाइट्राइट। क्या है ये? नाइट्राइट। बोलो ये क्या है? बोलो कमेंट में जल्दी जल्दी बोलो ना रे। NH4Cl क्या है? अमोनियम क्लोराइड। NaNO2 क्या है? सोडियम नाइट्राइट। तो बोल भैया किसको किसके साथ अभिक्रिया करा रहा है, किसके साथ? अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, AQ लिखा हुआ है, AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन,
एक्वस का मतलब क्या आता है, जलीय विलयन। देखिए तो जब अमोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन किसका, जब अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, हमको प्रोडक्ट चाहिए ना, हमको प्रतिफल चाहिए ना। चलिए इस प्रतिफल को देखते हैं। देखो जो अधिक प्लस वाला और जो अधिक माइनस वाला, जो अधिक प्लस वाला और जो अधिक माइनस वाला होगा वो एकदम फरार हो जाएगा, यानी एक प्लस वाला एक माइनस वाला मौका देखते फरार। कैसे, Na पर प्लस होता है Cl माइनस होता है, Na और Cl दोनों में गठबंधन हुआ ये लेके फरार, इसको NaCl बना लो भैया। अब बचा हमारा क्या, NO2 और यहाँ बचा NH4। यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो देखो ध्यान से समझने वाली बात है भैया, एक नाइट्रोजन यहाँ से हो, एक नाइट्रोजन यहाँ से, क्या हुआ N2 हो गया। अब बचा क्या, H2O। देखो ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनेगा, H2O। बैलेंस नहीं किए, संतुलित नहीं किए, यानी यह आपका अमोनियम क्लोराइड है, यह आपका सोडियम नाइट्राइड है जो बनाया Na और Cl, NaCl, और आपका बना दिया N एक यहां N2, और O और H बचा तो H2O बनेगा, याद रखना। यानी प्रयोगशाला विधि को अब हम लोग लैंग्वेज को समझते क्या है, लिखो देखो यही रिएक्शन आप जान गए, लैंग्वेज आप सीख गए क्या। देखिए जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड के साथ कराई जाती है तो डाइनाइट्रोजन प्राप्त होता, बस बस ओके। जब अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl के जलीय विलयन, एक यू लगा हुआ जलीय विलयन को सोडियम नाइट्राइड यानी NaNO2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो डाइनाइट्रोजन का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है। तो बताओ यहां तक में किसी को कोई दिक्कत। अब यह जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में थोड़ी सी मात्रा में NO और HNO3 बनता है जो अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, थोड़ी सी मात्रा कनी थोड़ी तो एक चुटकी कनी ठो बनता है NO HNO3, जो इसको हम लोग इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। अब दूसरा विधि है अमोनियम डाइक्रोमेट द्वारा, कौन विधि है दोस्तों, अमोनियम डाइक्रोमेट। तो फिर आया अमोनियम का तो सूत्र होगा NH4, डाइक्रोमेट का होता है Cr2O7 और इसका वैलेंसी होता है दो, अमोनियम का वैलेंसी होता है एक, इसका सूत्र होगा N, इसका दो यहाँ आएगा ना NH4 का होल टू Cr2O7। और आप याद, एक बात और याद रखना, ये जो Cr2O7 है यानी डाइक्रोमेट है, यह जब टूटता है तो क्रोमियम का ऑक्साइड देता है यानी Cr2O3 देता है, क्या देता है Cr2O3 देता है। अब देखिए कैसे, ध्यान दीजिए कैसे, अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन द्वारा N2 प्राप्त किया जाता है। ये जो आपका अमोनियम डाइक्रोमेट है इसको हम लोग हीट करेंगे ना तो हमको N2 प्राप्त हो जाएगा। कहिए कैसे, रिएक्शन देखिए NH4 Cr2O7, इसमें कोई दिक्कत है सूत्र में, फॉर्मूला में सूत्र में कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि Cr2O7 का वैलेंसी तो इसका यहाँ आएगा NH4 का होता है एक, तो इसका होल वन। अब ये जो साइन लगा हुआ है, इस साइन का मतलब है कि यह टूट रहा है। अब टूटेगा तो देखो क्या हम बताए, यह टूटेगा, ये Cr2O7 जो है ये टूटेगा तो क्या देगा, Cr2O3 देगा, यानी क्रोमियम को ऑक्साइड दे दिया। अब देख देख ध्यान से, यहां N का हॉल 2 है तो N2 अलग हो जाएगा, बचा क्या हाइड्रोजन, और Cr2O7 में Cr2O3 ही ना निकला है, यानी यहां चार ऑक्सीजन बचिए गया, चार ऑक्सीजन बचले यहाँ आठ हाइड्रोजन से, तो फोर मोल आपका H2O बनेगा, इसे भी बैलेंस कर सकते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब जल बनेगा और यह Cr2O7 टूट के Cr2O3 देगा और आपका यहाँ N2 का होल टू यानी N2 बन गया हमारा। दूसरा विधि भी कंप्लीट, समझ में आ रहा है, हाँ 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 ना ना दिक्कत है तो कोई बोलते रहना। तो चलिए दूसरा विधि भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आया तीसरा विधि,
तीसरा विधि क्या है, धातु एजाइड द्वारा। भैया एजाइड का नाम तो पहली बार सुने हैं। तो एजाइड का सूत्र होता है N3 और इसका वैलेंसी होता है 1। देख लो N3 माइनस, इसका मतलब आवेश होता है -1 और इसका वैलेंसी होता है 1। तो जब धातु एजाइड यानी धातु जब एजाइड के साथ रहेगा और उसको जब हम लोग करेंगे, देखो कह रहा है सोडियम या बेरियम एजाइड द्वारा N2 प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? सोडियम या बेरियम। तो सोडियम का Na, बेरियम का Ba। तो सोडियम का हम लिख दिए Na, एजाइड है तो N3। अब कहेगा इन्हें सर ये तो गलत हो गया, अब यहाँ सर Na 3 का ही लिया, 3 क्योंकि इसका वैलेंसी 1 होता है तो 3 कैसे हो गया? भैया N3 टोटल N3 को एजाइड कहा जाता है, समझे लल्लू? यानी N3 को क्या कहा जाता है? एजाइड कहा जाता है। सोडियम 1। अब ये से यहां देखो बेरियम एजाइड है तो बेरियम लिखे, इस बेरियम का तो वैलेंसी 2, इसका 2 यहां आएगा, इसका 1, इसका 1 यहां आएगा, तो BaN3 2। जब इसको हीट करेंगे तो ये धातु अलग हो जाएगा, एजाइड को छोड़ के N2 बना लेगा। देख लीजिए Na अलग हो गया, N2 अलग हो गया, Ba अलग हो गया और N2 अलग हो गया। यानी अभी तक में हम लोगों ने देखिए संरचना बनाने की विधि खत्म कर दी है। अब हम लोग भौतिक गुण और रासायनिक गुण और इसका उपयोग देखने वाले हैं। तो चलिए अभी लास्ट तक देखना है वीडियो को, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट देखते रहिए देखते रहिए। अगर अच्छा लगा तो शेयर भी करते रहिए। अब हम लोग भौतिक गुण और रासायनिक गुण देखेंगे। हम बोले हैं 5 काम करेंगे, पहला संरचना, फिर बनाने की विधि, फिर भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। तो देखिए इसका भौतिक गुण क्या है, यानी N2 का भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। तो देखो भैया ध्यान से, यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अविषैली गैस है। मतलब N2 में कोई कलर नहीं होता, कोई रंग होता ही नहीं उसमें, उसको सुनेंगे कोई गंध नहीं होता है, उसको चखेंगे कोई स्वाद नहीं होता है, और उसको चखने के बाद हम लोग नहीं मरेंगे। यानी यह साबित होगा कि यह अविषैला है। मतलब यह रंगहीन भी होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है और अविषैली गैस है। कौन? N2 यानी डाइनाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक? तो भैया कोई पूछेगा समस्थानिक क्या है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आइसोटॉप्स। क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स। समस्थानिक उसको बोलेंगे सम जोड़ स्थानिक, सम मतलब बराबर, स्थानिक मतलब स्थान, जिसका परमाणु संख्या समान होगा, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा। देखिए 2 नाइट्रोजन है, इसका परमाणु संख्या दोनों का 7-7 है। नाइट्रोजन है तो परमाणु संख्या 7, नाइट्रोजन है तो परमाणु संख्या 7, परमाणु संख्या को नीचे, परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखा जाता है। और जब न्यूट्रॉन निकालने की बात आती है तो ऊपर माइनस नीचे, ऊपर मत देखो, या देखो ऊपर माइनस नीचे, यानी 14 में से 7 गया 7, 15 में से 7 गया 8, यानी एक में आपका 7 न्यूट्रॉन है, एक में आपका क्या है 8 न्यूट्रॉन है। इसके 2 समस्थानिक होते, याद रखना। और यह जल में बहुत कम विलय होता है। जो हाइड्रोजन बंधन बनाता है वो जल में अत्यधिक विलय होता है, और जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है वो जल में कम विलय होता है। और हाइड्रोजन बंधन कौन बनाता है? याद है, याद करो, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। क्या भाई? और देखो कहता है इसका हिमांक और क्वथनांक निम्न होता है। लिखते जाओगे मेरे भाई दोस्तों, इसका हिमांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है, यानी कम होता है। यह था उसका भौतिक गुण। और यहां देखो, यह कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील का मतलब किसी से कोई रिएक्टिव नहीं करेगा। अब कोई देखते होंगे स्टूडेंट में एक होता लड़का, स्टूडेंट एक होता पूरा एकदम शुद्धा, ना कोनो बात भले एकदम लड़ाइए शुरू, एगो जगह 2-4 को गालियों बकन दो कुछ नहीं बोलेगा, वही वह कम क्रियाशील, उसको एकदम सहने वाला गुण। तो सहने वाला, जैसे आप सहने सहन सहनशीलता है आप में, आप सहते हैं हर बात को, वही है कि N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। क्यों होता है इसका कारण भी बता रहा हूं, लेकिन एक इससे पहले भी क्वेश्चन था, नाइट्रोजन जो है असामान्य व्यवहार करता है क्योंकि उसका आकार छोटा होता है ना, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है ना, पढ़े थे।
अब क्यों होता है, कोई क्वेश्चन पूछेगा कि N2 कमरे के ताप पर क्रिया कम क्रियाशील होता है क्यों, देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्योंकि नाइट्रोजन N ट्रिपल बोन N बनाएगा, बोलो हाँ या ना, लिखा हुआ उच्च बंधन एंथैल्पी के कारण। अब भैया तोरा दलिया देखे होंगे एकता में बल है, वो कहानी सुने होंगे, एक किसान था उसका चार बेटा था, उसको जब शादी ब्याह हो जाता है ना किसी का तो उस कन्या जो कान फूकती है ना तो सब अलग हो जाता है, पहले सब मिला के एक साथ रहता है, जब वही बाबू है तो सुंदर सुंदर की सब पदर की सब आ कान फूक तो, और कान फूकेगा ना तो सब एकदम दरार होगा, ये जी आप कमाते हैं, आपका छोटा भाई ऐस करता है, ये करता है, वो करता है, तो इससे दरार पैदा करती है, सब नहीं करती है, जो लड़की समझदार होती वो नहीं करती है। तो क्या होता है कि अब देखो अगर आपको सिंगल एगो लकड़ी दिया था ना तो बोला बेटा तोड़ो, उसको आसानी से तोड़ दिया, फिर बोला ठीक है तुम एगो लकड़ी तोड़ दिया, फिर दूसरा लकड़ी दिया बोला तोड़ो, थोड़ा ज्यादा दम लगा लेकिन टूट तो गया, तो अरे पापा तोड़ दिया, फिर दल के एगो लकड़ी कल के अब तीनों का तोड़ टूटे तोड़ दिया, फिर दिया चार गो, क्या कर दिया चार गो, फिर एगो जेब से मतलब चार गो हुआ, अब इसको तोड़ रहा कतू मचा रहा ऐसे वैसे टूट नहीं रहा, तब किसान बोला देखो बाबू एकता में बल है, आपने सिंगल बॉन्ड को तो आराम से तोड़ दिया, डबल बॉन्ड को तो थोड़ा एनर्जी लगा, थोड़ा ज्यादा दम लगाना पड़ा, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दिया लेकिन बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ा, लेकिन अगर चार गो लकड़ी दिया था तो वही बात है, जब आपको सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत कम चाहिए, जब वही डबल बॉन्ड रहेगा तो उससे अधिक एनर्जी चाहिए, और जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो सबसे अधिक एनर्जी है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है मेरे दोस्तों, यानी तीन गो बंधन को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, इसलिए इसका उच्च बंधन एंथैल्पी हो जाता है, यानी इसका एंथैल्पी क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, हो जाता है, जिसके कारण यह कम क्रियाशील होता है। अभी जैसे मटका आदमी जिसका पेट निकल जाता है, मटका आदमी एकदम सुबह शाम भाते खाता है, अब हमको नहीं कह देना, हाँ सुबह शाम खाता है भाते एकदम खा के सुतल रहता परल रहता कोनो काम ही नहीं है, है ना, अब ले एगो पत्थर का आदमी लो दोनों को दौड़ाओ या टहल को चलत साथ में, ये पांच मिनट चलेगा पूरा एकदम हाफी करने लगेगा, लेकिन वो पतला आदमी ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है मोटो की तुलना में, क्योंकि मटका जो है ना बहुत मोटा होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ना कम क्रियाशील होगा, और उसके तुलना में डबल और सिंगल बॉन्ड रहेगा ना तो अधिक क्रियाशील होगा, याद रहेगा ना, हाँ इस तरह नाइट्रोजन आज खत्म ही है। चलिए अब कहता है ताप में वृद्धि के साथ साथ क्रियाशीलता बढ़ती है, सही बात कहा, जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे बॉन्ड टूटना शुरू होगा, और भैया बॉन्ड जब टूटेगा तो एक्टिव नेचर बढ़ेगा ना, अभी हमारा हाथ देखो बांध दे तो भैया हम हाथ बांधेंगे तो हम ऐसे करेंगे लेकिन हाथ नहीं खुलेगा, और धीरे धीरे तुम रस्सी को एकदम ढीला करते जाओ, काटते जाओ, ढीला होते जाओ, ऐसे एक वैसा होगा, हाथ ऐसे होगा, ऐसे ऐसे कुछ भी कर सकते, फाइटिंग करा सकते, करते हैं ऐसे मारेंगे एक मुका मोबाइल पे आपको लग जाएगा, है ना, तो ये हम लोग क्या है कि जब बॉन्ड टूटेगा यानी टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर देंगे बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, याद रहेगा दोस्तों। चलो अभी तक जल्दी शेयर करो सब अपना अपना भैया लिंक को जल्दी से स्टेटस में लगाओ, कम से कम लड़का देखेगा, आपका पार्टनर देखेगा, आपका दोस्तीनी सब देखेगा, है ना, तब क्या होगा कहेगा हाँ अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करेगी ना, करेगा ना, तो जल्दी लिंक को शेयर करो जल्दी से, तब तक हम रासायनिक अभिक्रिया आ गया है, रिएक्शन को मुट्ठी में करना है तो जल्दी से शेयर करो, मारो जल्दी लाइक एकदम धड़ाधड़ शेयर करो, चलेगा तब देखो भैया है रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक गुण में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, क्या पहला है धातु के साथ अभिक्रिया, अरे कुनो अभिक्रिया तो हम लोग प्रदीप सर के स्टूडेंट है, कहीं डरने वाले नहीं है, क्या डरोगे भाई, देखो कैसे, अगर हमको लिथियम दिया एन टू से अभिक्रिया करा दो न भाई कुछ न, मान लिया हम कुछ नहीं जाने, यहाँ लिख दबे सर एल आई, यहाँ के लिख दबे सिर्फ एन, ये एन टू के फॉर्म में होता है लेकिन इसका टू से हमको कोनो मतलब नहीं है, कि भैया अब देखिए वैलेंसी को इंटरचेंज तो करते हैं, लिथियम
हेली ना करे रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम प्रांशियम सबका बैलेंस एक, और नाइट्रोजन का होता है तीन, इसका तीन यहाँ आएगा, इसका एक यहाँ आएगा। अगर मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को अभिक्रिया करा तो मैग्नीशियम का वैलेंसी भैया दो इसके पास, नाइट्रोजन का तीन इसके पास, यानी धात्विक नाइट्राइड का निर्माण करता है। जब धातु के साथ नाइट्रोजन अभिक्रिया करेगा तो धात्विक नाइट्रोजन का निर्माण करेगा। बोलो समझ में आ रहा है। अब एगो हम देते हैं आपको बहुत भारी रिएक्शन, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, जो पहले कमेंट के माध्यम से जो पहले बताएगा उसको इनाम इनाम, और इनाम में बताएंगे क्या बताएंगे अंदर, अब की बार बताएंगे ध्रुव बाल उद्यान कहाँ है। देख यहां का लिख देंगे सी ए, यहां का लिख देंगे एन, नाइट्रोजन के वैलेंसी तीन कैल्शियम के दो, सी एन टू, समझा कोई दिक्कत है। अब आइए दूसरा रिएक्शन है, हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो इसको हेबर विधि कहते हैं, जो मोस्ट वीवीआई है, जो आपको अलग से पढ़ाएंगे, जहां अमोनिया पढ़ाएंगे ना तो अमोनिया का निर्माण हेबर विधि से करेंगे, लेकिन तत्काल थोड़ा सा आप जानकारी ले लो कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन होता है कि 200 एटीएम दाब होगा, 450 डिग्री सेल्सियस ताप होगा तब यह बनेगा, क्योंकि इस अभिक्रिया को बताने वाला साइंटिस्ट था हेबर, इसीलिए इसको हेबर। आप कहिएगा सर कैसे बन गया, इसको हम पहले मिटा देते हैं, आप लोग लिख लेना इसको अच्छे से, रोक के वीडियो को। अगर कहेगा कोई नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते थे की बनते बताते, आराम से यहाँ के नाइट्रोजन ले यहाँ का हाइड्रोजन ले लिया है, बैलेंसी का अदला बदली क्या था, नाइट्रोजन की बैलेंसी कितना हो तीन, हाइड्रोजन के तीन इतने हाइड्रोजन एक बस NH3 बन रहा है। अब देखो क्या है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी यह लगभग 200 केल्विन ताप पर, सॉरी 2000 बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, पर अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, NO बनाती है, याद रखना। तो देखो भैया N2 प्लस O2 अधिक टेम्परेचर लेगा और क्या बना लेगा, NO गैस बना लेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ आ गया, भौतिक गुण में फिर से जानो, यह रंगहीन स्वादहीन गंधहीन और अविषैली गैस है, इसके दो समस्थानिक होते हैं 14 ग्राम और 15 ग्राम न्यूट्रॉन निकाल लेना, और यह जल में कम विलय होता है, और यह कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, और ताप बढ़ाएंगे इसकी क्या होगी, क्रियाशीलता बढ़ेगी, कोई दिक्कत। रासायनिक गुण में धातु के साथ करो हाइड्रोजन के साथ करो अमोनिया बनेगा, ऑक्सीजन के साथ करो NO बनेगा। अब चलिए उपयोग, हम लोग पहले संरचना पढ़े, फिर बनाने की विधि, फिर भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, अब आया उपयोग, लास्ट डाइनाइट्रोजन, अब लास्ट स्टेप अच्छे देख ले उपयोग यूजेज। पहला औद्योगिक रासायनों बनाने में, यानी जो भी उद्योग में हम लोग रासायन बनाते हैं उसमें N2 का उपयोग करते हैं। दूसरा अक्रिय वातावरण बनाने में, इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने में हम लोग N2 का उपयोग करते हैं। और लोहा और स्टील उद्योग में, जहां जहां लोहा का उद्योग है, जहां जहां स्टील का उद्योग है, सब जगह आपका N2 का यूज होता है। और अमोनिया बनाने में, जैसा कि अभी आपने देखा, अगर नाइट्रोजन नहीं रहता क्या अमोनिया बनता, अमोनिया बनाने में। और यह भी आप याद रखना, यह VVI है, द्रव नाइट्रोजन का उपयोग प्रशीतक के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, प्रशीतक के रूप में होता है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई मन में छपा है तो भैया बोल दे, नहीं है ना। तो हम होमवर्क दे रहे हैं आपको, तीन NCERT का तीन क्वेश्चन है होमवर्क, और होमवर्क लिखोगे और कल मेरे व्हाट्सएप पर, पर्सनल व्हाट्सएप पर मेरे को भेजना, जो नहीं भेजेगा उसको क्या लगेगा, उस पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगा ऐसा कार्रवाई होगा कि जान लो मोबाइल आपको मम्मी पापा से कहवा के मोबाइल रखवा देंगे, कहेंगे मोबाइल रहते हुए भी ऑनलाइन नहीं पढ़ते हैं और एकदम बतियाते रहता है इस ससरा कहीं, है ना, तो बहुत बात हो जाएगा। अब देख भैया पहला क्वेश्चन क्या है, सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन अभिक्रिया, हम अभी इससे पहले रिएक्शन बता रहे थे बनाने की विधि, एजाइड क्या होता है तो उसको देख लेना। N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील है, बोले देने क्यों, यही रीजन है, रीजन को लिख देना। और तीसरा है यह रिएक्शन अमोनियम डाइक्रोमेट है, इसको हीट करा क्या बनेगा इसको देख लेना भैया। अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया और समझ में आया, नाइट्रोजन अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, तो चलिए फिर कल हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अमोनिया, लेकिन तब तक जो है बने रहिए, देखते रहिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और आप इतना मेहनत से नोट्स भी बनाते जाइए। धन्यवाद, जय हिंद।